कोर्ट से जमानत मिलने के बाद रामगढ़ की पूर्व विधायक ममता देवी सोमवार की शाम हजारीबाग जेल से बाहर आ गईं। ममता देवी को झारखंड हाईकोर्ट ने 5 अप्रैल को जमानत दी थी। इस दौरान उन्होंने कहा कि जनता की सेवा आगे भी करती रहेंगी। उन्होंने कहा कि 2024 में चुनाव नहीं लड़ पाएंगी, लेकिन आम जनता की आवाज बनकर सेवा करती रहेंगी। क्षेत्र के मुद्दों को लेकर सरकार तक उनकी बातें पहुंचाने का काम करती रहेंगी। उन्होंने कहा कि जेल जाने से उनका मनोबल कम नहीं हुआ, बल्कि वह और अधिक सशक्त हो गईं। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर वे लोग आगे सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि उन्हें न्याय भी मिलेगा। जानकारी के मुताबिक जेल से बाहर निकलने के बाद ममता देवी अपने संबंधी के आवास में 11 अप्रैल तक रहेंगी। वहीं 12 अप्रैल को रामगढ़ पटेल चौक पर उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। इसके बाद मुख्य चौक चौराहा से होते हुए जिस जगह पर गोलीकांड हुई थी वहां कार्यक्रम का समापन किया जाएगा। मालूम हो कि 12 दिसंबर 2022 को हजारीबाग की जिला अदालत ने निजी औद्योगिक इकाई के लिए भूमि अधिग्रहण के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों को हिंसा के लिए उकसाने के मामले में ममता देवी को दोषी करार दिया था, जिसमें ममता देवी को 5 साल की कैद की सजा सुनाई गई थी। इसके बाद विधानसभा की सदस्यता से उन्हें अयोग्य करार दे दिया गया था, जिस वजह से वह आगामी वर्ष 2024 का चुनाव नहीं लड़ सकती हैं। न्यूज विंग के लिए रामगढ़ से मोहम्मद शाहिद की रिपोर्ट। टफ़ॉन XT600 HCR TNT रिबा। पहले भी बोला था, अगर घर को बनाना है एक्स्ट्रा टफ तो आप भी दिखा सकते हैं अपनी हीरोपंती टफ़ॉन XT के साथ।